आज का जो लेक्चर रहेगा लेक्चर नंबर 2 रहेगा। हम इस चैप्टर में ही वही रहेंगे, चैप्टर जो हमारा वेक्टर अलजेब्रा का वही वेक्टर है, इसमें हम वेक्टर्स के बारे में पूरी जानकारी रखेंगे। चैप्टर का नाम भले ही वेक्टर अलजेब्रा है लेकिन कई सारे टॉपिक्स हम कंसिडर कर रहे होंगे इसमें। इस टॉपिक में हम स्केलर मैथमेटिक्स यानी स्केलर के मल्टीप्लीकेशन डिविजन जो भी कहानी हो रही है वो हम देख रहे होंगे, और साथ में वेक्टर का एक टॉपिक देखेंगे प्रोजेक्शन, वेक्टर को प्रोजेक्ट कैसे करते हैं और उसके पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कैलकुलेशन हम कैसे लेके आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर के ही अलजेब्रा यानी कि वेक्टर के एडिशन और सब्सट्रैक्शन देख रहे हैं, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को हम देखेंगे। आज का जो डेट है वो 37 है, 30/07/2020। इसमें हम टॉपिक जो हमने बताया वो कर्म करने वाले हैं, मल्टीप्लीकेशन बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर यानी इसको हम स्केलिंग बोलते हैं, स्केलिंग तक हम देख के आएंगे किस तरीके से एक वेक्टर को हम बड़ा या छोटा करते हैं। इससे पहले जो आपको प्री रिक्विजिट्स हैं, आपको क्या पता होना चाहिए, प्री रिक्विजिट्स, आपको स्केलर पता होना चाहिए, आपको वेक्टर पता होना चाहिए और आपको यूनिट वेक्टर पता होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसके बाद ये लेक्चर हम बढ़ेंगे। जिन्होंने अगर ये लेक्चर में डायरेक्ट आ गए तो इससे पहले वाला लेक्चर यानी कि 01 लेक्चर आप देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी स्केलर्स क्या है हमें पता है, कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी जिसको सिर्फ और सिर्फ एक नंबर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसको हम स्केलर बोलेंगे। जैसे कि राम सर का कितना वजन है तो 50 किलो है, अद्वैत का कितना वजन है 60 किलोग्राम, 60 किलो है, तो दोनों का वजन मिला के कितना होगा, तो 60+50 110 हम बोल सकते हैं। तो इसी को हम स्केलर मैथमेटिक्स बोलते हैं। अद्वैत के पास 10 पेन है, मेरे पास 4 पेन है, दोनों के पेन मिला देगा तो 14 पेन्स हो गए। इसी तरीके के सारे मैथमेटिक्स हम जोड़े। ध्यान ये रखनी है इसको ऐड करते टाइम पे उसका यूनिट्स इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी कि अद्वैत का वजन 10 किलो है, मेरे पास 5 आम है, तो दोनों मिला के कितना हुआ, ये कोई एडिशन की बात नहीं हुई, यानी कि 2 किलोग्राम में 4 मीटर आप ऐड करना चाहेंगे तो नहीं होगी, यानी कि क्वांटिटी का यूनिट सेम हो तो उस क्वांटिटी को ऐड किया जाता है, यानी एक ही क्लासिफिकेशन के अंदर वो ऑब्जेक्ट्स होनी चाहिए होंगी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जब हम बचपन में पढ़ाई करते थे इस एडिशन सब्ट्रैक्शन को तो हमें कुछ टॉपिक्स बताए गए थे, उन टॉपिक्स थे जैसे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, सारे डिस्कस किए गए थे। क्या होते हैं, सामने आपका a+b+ लिखा हुआ, एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ कि सपोज दैट पहले हम लेते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव यानी कि एसोसिएट किया जा सकता है किसी के साथ में, आगे पीछे में, तो a+b+c अगर पहले इसको जोड़ना है तो आप अगर a+b को भी पहले जोड़ लेते हैं और फिर c को जोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि अद्वैत का वजन है 5 किलोग्राम प्लस इसमें ऐड करना है राम सर का वजन यानी कि उसको ले लेते हैं 10 किलोग्राम और कोई दूसरे सर पूर्विक सर का वजन ले लेते हैं, पूर्विक सर का वजन 15 किलोग्राम। आप इसको ऐड करके लाएंगे तो कितना आएगा, 5, यानी कि पहले आपको ऐड करना है 5+10 एंड 15 हो जाएंगे आपके 5, 25 एंड लास्ट रिजल्ट विल बी 30। आप इसको अलग तरीके से कर लें, पहले अद्वैत के वजन में राम सर का वजन ऐड कर देते हैं और फिर उसमें पूर्विक सर का वजन ऐड करेंगे तो भी कोई फर्क रहने वाला नहीं है, 5 और 10 है ना 5 और 10 15 और फिर 15 बराबर 30। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इसमें कोई बुद्धि लगाने वाली बात नहीं है ज्यादा। कम्यूटेटिव यानी कि इसको मूव कराया जा सकता है, तो जिस तरह से a+b और उसको b+ है, यानी कि 3+5 = 5+3 होगा, ये एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। आप बोलोगे सर ये तो बेसिक चीजें हर जगह लागू होती, नहीं दोस्त, अभी यहां पे लागू होता हुआ दिख रहा है, कई जगहों पे लागू नहीं होता है। आपको एक एग्जांपल मैं देता हूं, एंगल जिसको हम रोटेशन बोलते हैं, रोटेशन को हम a+b+c कर रहे हैं तो a+c+b करेंगे तो उल्टा हो जाता है, कैसा होगा हम कभी आगे के लेक्चर में इसको देखेंगे। तो ध्यान रखेंगे ऐसी चीजें हैं दुनिया में जो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉज को फॉलो नहीं भी करती होंगी, आपको ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी उनको। डिस्ट्रीब्यूटिव ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि अगर x(3+5) है तो आप लिख सकते हो ना x(3+x)5, यही वाला नियम को हम डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं। सिंपल सा तरीका यहाँ पे लिखा हुआ, तो इसको लेफ्ट में ले लेता हूँ, x(3+x)5। ये सारी की सारी बेसिक प्रॉपर्टीज, और भी कई सारे प्रॉपर्टीज हैं, हमें उन सभी को नहीं देखना, हमें बस ये समझना कि स्केलर क्या चीज है, आपकी दिमाग
दिमाग में छप जाना चाहिए। क्वांटिटी ऐड करते टाइम उसकी यूनिट को इम्पोर्टेंस देना होगा। आप 2 किलोग्राम में 4 मीटर ऐड नहीं करेंगे, उस बात को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आएंगे वेक्टर अलजेब्रा पे, यानी कि अब हम स्केलर का समाप्ति हो चुकी है। स्केलर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसमें ज्यादा कुछ तो बारी नहीं है, इसलिए उसको हम उतना ही तक सीमित रखते हैं। अब वेक्टर की बात करेंगे तो वेक्टर के 2 हिस्से होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जिसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। पिछले लेक्चर में सारा कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। अगर मैं कोई वेक्टर बोलता हूं, जैसे कि अहमदाबाद से गांधीनगर की तरफ जाते हैं, तो हमें जो टोटल डिस्टेंस कवर करनी होगी वो 25 किलोमीटर होगी साउथ दिशा से नॉर्थ दिशा में। मैं मान के चलता हूं कि नॉर्थ दिशा में गांधीनगर है और साउथ दिशा में अहमदाबाद है, ADI अहमदाबाद, GNR गांधीनगर। तो आपको इधर चलना होगा, इस दिशा में कितना चलना होगा, 25 किलोमीटर। आप इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ए से रिप्रेजेंट करता हूं मैं, तो ए वेक्टर। तो वेक्टर ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहा है। दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किस दिशा में, नॉर्थ दिशा में। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया इसका 25 किलोमीटर। एंड डायरेक्शन क्या हो गया, डायरेक्शन विल बी नॉर्थ। आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। तो यूनिट वेक्टर क्या हो गया, तो वन मैं अभी नॉर्थ के लिए क्या बोल देता हूँ, एन नॉर्थ ही लिख देता हूँ, NORTH, नॉर्थ के ऊपर टोपी लगा दी गई। वन नॉर्थ दिशा में, नॉर्थ दिशा में एक यूनिट जाएंगे तो आप वहां पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट, इसी में कहानी अगर हम लेके चले कि अगर हमें वेक्टर स्केलिंग या मल्टीप्लाइंग करना है, यानी कि वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना, इसको हम बोलेंगे स्केलिंग ऑफ ए वेक्टर या मल्टीप्लाइंग ए वेक्टर बाय ए स्केलर। तो ऊपर देखेंगे अगर हम, तो हमने 25 किलोमीटर नॉर्थ दिशा में बोला कि भाई आप साउथ से नॉर्थ में जा रहे हैं 25 किलोमीटर सेम दिशा में, तो आप पहुंच गए अहमदाबाद से गांधीनगर। आप उसी डिस्टेंस को आप कवर करते हुए थोड़े आगे निकल जाइए, नॉर्थ में और आगे चले, तो गांधीनगर से आप ऊपर निकल के हिम्मतनगर चले जाएंगे, तो आपको और कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ा। यानी कि इनिशियल जो डिस्टेंस था 25 किलोमीटर का, आप उसको दोगुना कर दीजिए तो आप अहमदाबाद से पहुंच जाएंगे हिम्मतनगर। तो उसी को हम बोलेंगे इस दिशा से अहमदाबाद गांधीनगर, HMT लिख देता हूँ, हिम्मतनगर, HMR लिख देता हूँ, हिम्मतनगर। तो आप इस दिशा में गए थे, दिस वॉज 25 किलोमीटर नॉर्थ। आप एक बार और मूव करेंगे गांधीनगर से हिम्मतनगर की तरफ से, दिन अगेन इट इज 25 किलोमीटर। एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं, डिस्टेंस बराबर नहीं भी हो सकता होगा। तो आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे, जो वेक्टर ए था ये वाला, तो टोटल को रिप्रेजेंट अगर करना पड़े मुझे यहां से, तो दिस विल बी 2 times वेक्टर ए। सिंपल सा फंडा कि बस उसी को दोबारा करना है। तो ये जो रेड वाला था, सॉरी, इसमें जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस वन विल बी ए वेक्टर एंड दिस वन इज ए स्केलर। अब 2a का मान कितना हो जाएगा, उसको मैं b से रिप्रेजेंट करता हूं, b इज इक्वल्स टू 2.a। डॉट नहीं बोलेंगे, 2 multiplied by a बोलेंगे, 2 something ये बोलेंगे, जो भी मल्टीप्लीकेशन का आपको सारा करना है यहाँ पे, इट विल बी ए सिंबल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, उसको उतना गुना मल्टीप्लाई किया जा रहा होगा। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है इसका आंसर कितना आएगा दोस्त, अद्वैत? रिस्पॉन्स में नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो 2 into a कितना था, 25 किलोमीटर नॉर्थ दिशा में। आपने नॉर्थ दिशा चेंज नहीं की है, तो 2 into 25 हो जाएगा 50 नॉर्थ दिशा में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्केलिंग, यानी कि किसी वेक्टर को उतने मल्टीप्लाई टाइम्स कर देना, स्केलर से मल्टीप्लाई होगा। जो मैंने ये टोपी बनाई है नॉर्थ के ऊपर, यहाँ पे नॉर्थ के ऊपर, इस नॉर्थ के ऊपर, ये टोपियां जो है वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसको हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था। तो अभी तक हमने 3 topics देखे। पहला टॉपिक कि स्केलर के मैथमेटिक्स क्या थे, उसके गुणा भाग जो थे बचपन से आप जो पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा, वेक्टर का डिस्क्रिप्शन देखा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसका क्या होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ए है उसका मॉडुलस आप लगा देंगे तो दैट विल बी 25 किलोमीटर, और उसका यूनिट वेक्टर होगा उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते थे, स्मॉल ए लेके उसके ऊपर टोपी लगा सकते थे या कैपिटल ए के ऊपर भी टोपी लगा सकते थे, दैट विल बी इन नॉर्थ, नॉर्थ दिशा में ये
यूनिट वेक्टर उसका हो जाएगा, दैट विल बी द डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इसका, यहाँ पे इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। गुड, इसके बाद यानी कि स्केलिंग भी हमने समझा, थर्ड टॉपिक था हमारा स्केलिंग का, कि वेक्टर को मल्टीप्लाई करके उसके मान को बढ़ा देंगे। यानी कि आप ऐसा समझिए कि एक एरो था, उस एरो को आपने बड़ा कर दिया है, एरो सेम डायरेक्शन में रहेगा बट लेंथ उसका बड़ा हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज स्केलिंग फैक्टर। डायरेक्शन विल नॉट चेंज, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर चेंजेस, इट इज कॉल्ड एज स्केलिंग। यहाँ के बाद से अब हमें वेक्टर को डिफाइन करना है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं या साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं, तो हम अहमदाबाद से गांधीनगर या गांधीनगर से हिम्मतनगर हम पहुंच जाएंगे। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ दिशाओं की आवश्यकता पड़ेगी, आपको पहले से दिशा बतानी पड़ेगी, बिकॉज वेक्टर के अंदर दिशा तो इंक्लूडेड है। तो हम पहले से डिफाइंड डायरेक्शन ले लेते हैं, जैसे कि मेरे पास मैं दिशाओं का मान ले लेता हूँ, यहाँ से ये दिशा ले ली, ये दिशा मैं ईस्ट मान लेता हूँ और ये दिशा मैं नॉर्थ मान लेता हूँ। ऐसा ही होगा, नॉर्थ के उल्टे में साउथ आ जाएगा और ईस्ट के उल्टे में वेस्ट आ जाएगा। तो अगर किसी को नॉर्थ जाना है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो भाई तू नॉर्थ में चला जा, ईस्ट में चला जा, वेस्ट में चला जा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप किसी को अलग दिशा में भेजना चाहते हो, सपोज दैट कि आप ये ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पे मैं ओरिजिन को रेड कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, यहाँ पे आप ओरिजिन से ग्रीन पॉइंट पी तक जाना चाहते हैं, कोई डिस्टेंस हो सकता है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि पहले आप कुछ डिस्टेंस मैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ, कुछ डिस्टेंस आप ईस्ट में चले और फिर कुछ डिस्टेंस आप नॉर्थ में चले तो पी तक पहुंच जाएंगे। और शॉर्टकट रास्ता अपनाना होगा, शॉर्टकट रास्ता मैं यहाँ से प्रेजेंट करता हूँ, दिस कैन बी माई डायरेक्शन। तीर मारना होगा पॉइंट पी पे जाने के लिए, तो आप ईस्ट के अलोंग थोड़ा देर चलेंगे, फिर नॉर्थ के अलोंग थोड़ा देर चलेंगे, यानी उसको मैं डायरेक्शन देता हूँ, आप थोड़ा सा एक्स चलेंगे, आप थोड़ा सा वाई चलेंगे, पहुंच जाएंगे उस डिस्टेंस पे। लेकिन अगर डायरेक्ट एरो लगाना होगा, गोली मारनी होगी उसको, तीर मारना होगा, तब ओ से पी तक जाएंगे। तब ओ से पी तक का जो रेड कलर का जो वेक्टर बनाया गया है वो ना ही ईस्ट में है ना ही नॉर्थ में, तब क्या बताएंगे कि नॉर्थ से यानी कि ईस्ट से नॉर्थ जाना है तो 30 डिग्री जाइए, या 30 डिग्री टू ईस्ट या 30 डिग्री टू ऑर्ड्स नॉर्थ, जो भी डायरेक्शन हम ज्योग्राफी में रिप्रेजेंट कर देते हैं पहले उस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो सीधा से बोल सकते हैं। तो आप एंगल से भी इसको रिप्रेजेंटेशन बता सकते हैं, ईस्ट दिशा से 30 डिग्री के कोण पे नॉर्थ घूम जाइए और फिर अपना रास्ता तय कीजिए। तो यहां से अगर आप देखेंगे कि अगर किसी को साउथ जाना होगा तो वो क्या करेगा, नॉर्थ के उल्टे दिशा में जाएगा, या किसी को ईस्ट जाना होगा तो वो वेस्ट के अपोजिट दिशा में जाएगा। तो एंगल क्या हो जाएगा, ईस्ट में अगर 180 डिग्री जोड़ दें, ईस्ट एंड 180 डिग्री, ये हो जाएगा वेस्ट एंड नॉर्थ एंड 180 डिग्री ऐड कर दें तो हो जाएगा मेरा साउथ। तो आपको अगर नॉर्थ और ईस्ट पता है तो आपको साउथ और वेस्ट बताने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट 180 डिग्री घुमा के बता सकते हैं। तो यहां से हम कंसेप्ट लाते हैं टू एक्सेस का, कि दो ही चीज आपको डिफाइन करनी है। हमारे पास दो चीजें क्या हो जाएंगी, एक हो जाएगा ईस्ट, एक हो जाएगा नॉर्थ। ये डिफाइंड हो गया, तो नॉर्थ से 180 डिग्री इट विल बी साउथ, ईस्ट से 180 डिग्री इट विल बी वेस्ट। इसी का कंसेप्ट लेके अब हर जगह नॉर्थ ईस्ट बताना थोड़ा मुश्किल होता है, टेक्निकल वर्ड भी नहीं लगता है, तो इसको टेक्निकल वर्ड में लेने के लिए साइंटिस्ट ने इसका एक अलग नाम ही रख दिया है, उसको नाम को बोल रहे हैं एक्स एंड वाई। एक दिशा को हमने बोल दिया एक्स, एक दिशा को बोल दिया वाई। कुछ लोग इसको आई भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको जे भी बोलते हैं, लेकिन हम उसको फॉलो ज्यादा नहीं करेंगे, हम एक्स एंड वाई को ही फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज आई का और जे का इस्तेमाल करेंगे आगे जाके करंट डेंसिटी के लिए और करंट के लिए जब वर्ड यूज करेंगे में कंफ्यूजन हो जाना, तो विल रेयरली यूज आई एंड जे, बहुत आवश्यकता पड़ी तो ही करेंगे, नहीं तो उसको अलग चीजों के लिए इस्तेमाल रखेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपस में ये दोनों 90 डिग्री के कोण पे होंगे, तभी आप चारों दिशाओं को बता सकेंगे ना कि चारों दिशाओं में यश फैला हुआ है। तो एक्स से वाई जाने में हमें 90 डिग्री जाना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर हम एक्स से माइनस एक्स जाते हैं तो दैट विल बी एक्स इनटू, आपको x में क्या करना पड़ेगा, दो बार आपको 180 डिग्री यानी कि 90 इनटू 90 डिग्री घुमाना पड़ेगा, एक बार 90 घुमाइए फिर से दोबारा 90 घुमाइए, तो माइनस हो जाएगा यानी कि इट विल बी रिजल्टेड इन माइनस x। तो अगर किसी चीज को दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मुझे माइनस मिल रहा है, तो एक बार करने पर उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा हमें। व्हाट वी विल डू कि x
माइनस वन का रूट का स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा माइनस वन इंटू एक्स, क्योंकि माइनस वन था, दो बार माइनस वन था, तो 90 डिग्री रिप्रेजेंट माइनस वन का स्क्वायर रूट। तो माइनस वन का स्क्वायर रूट कुछ नहीं होता है, हमें पता ही नहीं था, इसलिए हमको आई बोल रहे थे। तो एक्स इंटू आई इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो आई क्या हो गया, इस दिशा को हम आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शो करते हैं। इसलिए जब भी आप अपने मशीन में आई यूज करते थे फेज शिफ्ट के लिए, तो आई रिप्रेजेंटेड एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेशन। आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेशन। तो अब आपको पता चल गया होगा कि माइनस वन का जो रूट है इमेजिनरी संख्या कहते हैं, लेकिन ये एकदम से इमेजिनरी नहीं है, इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन है, ये सक्षम रूप में हमें दिखता है। दिखने के लिए आपको अलग अलग तरीके ढूंढने पड़ेंगे। तो माइनस वन मीन्स कि एंटी क्लॉक, माइनस वन का रूट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, ये बात को ध्यान में रखेंगे आगे की जरूरत में, जब कहीं जरूरत पड़ेगी इसका इस्तेमाल हम करेंगे। तो अब हमारे पास दो एक्सिसेस मिल गए हैं, एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन, उसको नॉर्थ साउथ नहीं बोलेंगे, हम कुछ भी बोल सकते हैं। यानी कि अगर मैं इसको एक्स बोलूं तो इस पे 90 डिग्री खींच के मैं इसको वाई बोल सकता हूँ, अगर मैं इसको एक्स बोलूं तो मैं इस पे 90 डिग्री खींच के इसको वाई बोल सकता हूँ। यानी कि अब रोटेट कर सकता हूँ अपने एक्सिस को, नॉर्थ और साउथ को आप रोटेट नहीं कर सकते थे, तो ये मेरे को थोड़ी सी फ्रीडम मिलती है इसको यूज करने के लिए। बात ध्यान में क्या रखेंगे कि बोथ विल बी 90 डिग्री टू ईच अदर, इस बात को बुद्धि में बैठा के रखेंगे। अभी हम टू डायमेंशन में ही बात कर रहे हैं, दो ही डायमेंशन, डायमेंशन यानी किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर कोई चींटी है वो एक लाइन पे चलती जा रही है तो उसके लिए एक ही डायरेक्शन है। अगर ऊपर से आपने उसके सामने एक शुगर का क्यूब गिरा दिया है, चीनी का दाना, तो उस चींटी को पता ही नहीं चला कि दाना कहाँ से आया, उसको लगा कि जादू हो गया है, तो उसको टू डायमेंशन का स्केप नहीं पता था, लेकिन आपको पता कि हमारे टू डायमेंशन हो सकते थे। उसी तरीके से ही थ्री डायमेंशन भी आएगा और आगे के मल्टीपल डायरेक्शन भी आते हैं, लेकिन हमारा पूरा का पूरा जो कोर्स लिमिटेशन रहेगी वो थ्री डायमेंशन तक ही रहेगी, इस बात का ध्यान लेते चलेंगे। इस कंसेप्ट को आप खाली ध्यान में रखेंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। अब हमने एक्स एंड वाई बता दिया है तो उसके अलोंग दिशा भी आपको बतानी पड़ेगी। हाँ भाई, एक्स में कितना किलोमीटर चल रहा है, 10 चल रहा है, 20 चल रहा है, 25 चल रहा है, तो 25 तो चल लिया, पर किस दिशा में। हर बार आप एक्स दिशा में, एक्स दिशा में बोलने के लिए आपको पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं, आप कुछ नोटेशन इस्तेमाल कर लीजिए। तो इसको हम नोटेशन इस्तेमाल करने के लिए कोशिश करें। नोटेशन, नोटेशन हम क्या इस्तेमाल कर रहे होंगे, क्यों नहीं आ रहा है, गुड, कि मैंने डिफाइन की है अपनी एक्सिस, दिस इज माय एक्स एक्सिस कैपिटल एक्स, दिस माय वाई एक्सिस कैपिटल वाई। एक्स दिशा में जो यूनिट वेक्टर होगा, यानी कि छोटा सा इकाई होगा वन यूनिट, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एक्स के ऊपर कैप से। कुछ कुछ लोग कैपिटल एक्स के कैप भी रिप्रेजेंट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसको ऐसे छोटा एक्स लिखने में प्रॉब्लम आ रही हो बड़ा एक्स लिख सकता है, कोई तकलीफ नहीं। वाई में भी छोटा वाई के ऊपर कैप लगा देंगे तो वाई के अलोंग दिशा का बोध करेगा, इट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस। कुछ लोग कैपिटल वाई के ऊपर भी एरो लगा सकते हैं। बुक्स में इसको यूजुअली स्मॉल वाई बोल्ड कर दिया जाएगा या स्मॉल एक्स बोल्ड कर दिया जाएगा, और इस बात की जानकारी पिछले लेक्चर में हमने बता रखी है कि बुक्स में कैसे रिप्रेजेंटेशन आती है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि कोई भी दिशा बतानी होगी, जैसे कि मुझे बोलना हो कि अद्वैत तुम एक्स दिशा में 5 किलोमीटर चलो, तो अद्वैत को क्या बोलना पड़ेगा, अद्वैत यू विल हैव टू मूव 5 इन एक्स कैप। तो अद्वैत को पता चल गया कि सर ने एक्स कैप बोला है, यानी कि एक्स दिशा में जाना है, एंड यूनिट बोल दिया 5, तो 5 दिशा जानी है। अगर मैं कविशा को बोलता हूँ कविशा तुमको वाई दिशा में 5 मीटर जाना है, तो कविशा के लिए हो जाएगा 5 एंड वाई कैप, यानी कि कविशा के पास डायरेक्शन भी मिल गया, वाई दिशा में जाना है, डिस्टेंस मिल गया 5 जाना है। यहां तक सभी के लिए क्लियर है, किसी विद्यार्थी को डाउट तो पूछ सकते हैं, जल्दी क्लियर है बेटा। जल्दी, यस सर, क्लियर बेटा, कोई डाउट? नो सर। ओके गुड, चलिए आगे चलते हैं। अब हम आते हैं प्रोजेक्शन पे, एक नया टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि प्रोजेक्शन क्या कहलाता है। प्रोजेक्शन समझ में आ जाएगा अगर आपको, तो आपके सारे के सारे जो वेक्टर्स हैं उसकी कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगी।
एक सेकंड होल्ड कीजिए, प्लग रिमूव अटैच, ठीक। प्रोजेक्शन यानी कि परछाई, परछाई किसी चीज की जब हम परछाई रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम प्रोजेक्शन बोलते हैं। प्रोजेक्शन क्या हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है और कहीं से लाइट शो आ रही है, तो दिस अगर ब्लू वाला देख रहा है तो दिस लेंथ ऑफ ब्लू विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ दिस पॉन, यानी कि जो प्यादा है हमारा उसका आ जाएगा, एंड दिस रेड वन विल बी द प्रोजेक्शन सीन फ्रॉम अलग इमेज। ये दोनों प्रोजेक्शन ही अलग अलग है। दूसरा एग्जाम्पल परछाई का, कि धूप निकले हुई है, पेड़ पड़ा हुआ है, तो पेड़ की परछाई आपको यहाँ पे इस दीवार पे देखने को मिल सकती है, तो दिस हाइट विल बी कॉल्ड एज परछाई ऑफ पेड़ ऑन दी वॉल, या प्रोजेक्शन ऑफ पेड़ ऑन दी वॉल। दूसरी कहानी भी हो सकती है, तो जरूरी नहीं कि यही खाली कहानी रहे। आपका क्या हो सकता है कि पेड़ यहाँ पे ऐसे खड़ा है, ग्रीन कलर से होना चाहिए था ना इसको, चलेगा, एंड ब्लैक कलर से इसकी टहनियां बना देते हैं, जैसे जमीन पड़ी हुई है तो जमीन के ऊपर भी परछाई आ सकती है, इट शुड बी सब ऑरेंज कलर, सूर्य यहाँ पे उदित हो रहे हैं, इसकी परछाई यहाँ पे ऐसे पड़ी होगी जमीन पे कहीं पे, तो ये जो डिस्टेंस आप बोलोगे दिस डिस्टेंस विल बी परछाई या प्रोजेक्शन ऑन द फ्लोर, जमीन पर प्रोजेक्शन हो गया है। फिर तो कोई अलग अलग एंगल दे सकता होगा ना दोस्त, जरूरी थोड़ी ना है कि सूर्य हमेशा यहीं पर रहे, सूर्य की हाइट बदल सकती है, यहाँ पे बदलेगी तो प्रोजेक्शन बदल जाएगा, सूर्य की डिस्टेंस पोजीशन नंबर 1, 2 और 3 पे अलग अलग जगह पे रहेगी तो अलग अलग परछाई बन के आ सकती होगी। सूर्य की पोजीशन यहाँ पे और हाइट पे रहती तो इसकी दीवार पर प्रोजेक्शन कम पड़ती, थोड़ी नीचे रहती दीवार पर प्रोजेक्शन ज्यादा बनती। ईच एंड एवरी लोकेशन ऑफ द लाइट बीम विल चेंज द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन। सूर्य की रोशनी या किसी भी प्रकाश की रोशनी कितनी आ रही है उसके हिसाब से परछाई यानी कि उसका प्रोजेक्शन की लाइन चेंज हो जाएगी, उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। तो हमें कुछ ना कुछ फिक्स्ड यूनिट्स यानी कि फिक्स्ड मान लेके चलना पड़ेगा, अपने स्टैंडर्ड्स डिफाइन करने पड़ेंगे हमें। तो हम क्या करेंगे कि जब भी प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है इट विल ऑलवेज बी 90 degrees टू दैट सरफेस। यानी कि अगर आपको एक पेंसिल दे दी है मैंने, ये पेंसिल स्लैंट तरीके से है, एक दीवार है जिसको मैंने यहाँ पे वॉल बोल रखा हुआ है और एक फ्लोर है, नीचे जमीन पड़ी हुई है इसके सामने। अब अगर आपको दीवार पे प्रोजेक्शन लेके आना है, वॉल पे प्रोजेक्शन लेना है, तो लाइट बीम मस्ट बी परपेंडिकुलर टू दी वॉल। देखिए जो टॉर्च हमने रखा हुआ है उस टॉर्च की जो लाइट बीम आ रही है, मैं इसको रेड कलर से ओवरराइट कर रहा हूं, ये जो आ रही है टॉर्च की बीम वो वॉल से 90 डिग्री पे है, जिसको मैंने एक सर्कल में ड्रॉ किया हुआ है, आपको ध्यान में आएगा, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, चलिए कि 90 डिग्री रहना चाहिए। तो वॉल पे जो प्रोजेक्शन बनेगी, तो लाइट बीम आई, जहां तक पेंसिल थी वहां तक लाइटें टकरा गई, यहाँ पे लाइट टकरा गई, और जो लाइट टकराई नहीं वहां पे पहुंच गई। तो जहां तक लाइट टकराई उसके पीछे का जो एरिया था वो ब्लैक हो गया, दिस इज शैडो रीजन, और दीवार पे जो लाइन पड़ी उसको हम लेंथ को बोलेंगे शैडो और प्रोजेक्शन लेंथ। ये प्रोजेक्शन सभी को समझ में आ रहा है विद्यार्थी, किसी को दिक्कत इसमें? उससे पूछा जाए, रोल नंबर 20 रोहित प्रतीक, यस सर, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर, ओके गुड, ठीक है। 23 स्मिथ, क्लियर है? कोई डाउट बेटा? नो सर। स्मिथ नाम है ना? हाँ स्मिथ, ओके गुड, ठीक है। चलिए अब ये हमने प्रोजेक्शन क्या देखा कि दीवार पे पड़ी, प्रोजेक्शन हम जमीन पे भी पड़ा सकते हैं ना, उल्टा भी कर सकते हैं, यानी कि आपके सामने इस तरीके से ये फ्लोर रहेगी, इस तरीके से ये वॉल रहेगी, आपकी पेंसिल अभी भी उसी तरीके से स्लैंट रखी हुई है। अब आपको फ्लोर पे जमीन पे प्रोजेक्शन लेके आना है, तो फ्लोर से 90 डिग्री करना पड़ेगा, तो प्रोजेक्शन 90 डिग्री टू द फ्लोर, यहाँ पे टकराएंगे, यहाँ पे टकराएगा, यहाँ पे टकराएगा, दिस प्रोजेक्शन विल बी 90 डिग्री टू द फ्लोर, सारे के सारे बीम्स आती जाएंगी। तो बीम कहाँ पे पड़ी? यहाँ तक पड़ी, जहाँ तक परछाई हो गई, लास्ट बीम यहाँ तक आ रही है, तो दिस लेंथ विल बी कॉल्ड एज प्रोजेक्शन। किस पे है? तो ऑन फ्लोर, फ्लोर एक्सिस, फ्लोर एक्सिस बोलिए या फ्लोर बोलिए, यहाँ पे ये वॉल पे प्रोजेक्शन लेंथ ऑन वॉल एक्सिस, दीवार पे प्रोजेक्शन पड़ी
तो दीवार से 90 डिग्री लाइट आपको देनी पड़ेगी, जमीन पे प्रोजेक्शन बनेंगे जमीन पे 90 डिग्री देनी पड़ेगी। ये बुद्धि में आप बैठा लीजिएगा प्रोजेक्शन उसका कितना आ रहा होगा, लेंथ क्या होगा हम लेंथ बाद में देखते हैं। अभी तो प्रोजेक्शन डालने के लिए हमेशा लाइन जो रहेगी वो 90 डिग्री आपको डालनी है। नेक्स्ट, अब हमने फ्लोर और वॉल को हटा के अपने हिसाब से इसको हमने एक्स एंड वाई एक्सिस में बोल दिया। हियर इट इज एक्स एक्सिस, हियर इट इज माई वाई एक्सिस। जो एक्स पे प्रोजेक्शन पड़ी तो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑन एक्स यानी कि प्रोजेक्शन ऑन एक्स, और इधर से पड़ेगी तो इसको बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑन वाई। सिंपल वही वाली बात थी, बस दीवार और फ्लोर हटा के हमने एक्स एंड वाई एक्सिस हमने बोले। यहाँ पे एक्स कैप हो सकता है या फिर हमारा वाई कैप आ जाएगा। 90 डिग्री ध्यान रखेंगे कि हमेशा जो लाइट बीम रहेगी वो 90 डिग्री रहेगी जिस भी एक्सिस पे आपको उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। यहां तक बात सभी के लिए क्लियर हो रही होगी दोस्त, किसी को डाउट है तो पूछिएगा अभी। नेक्स्ट, ये जो टॉपिक है इसका हमें लेंथ पता करना है। इसको मैं जो ऊपर वाली लाइन है इसमें जरा सा ध्यान देंगे कि हो सकता है ना कि जो पेंसिल होगी वो किसी ना किसी एंगल पे बैठी हुई होगी, कोई एक एंगल किसी भी एक्सिस से पता चल जाए मेरा काम खत्म। एक्स से थीटा पता करो या वाई से थीटा पता करो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक्स और वाई खुद ही 90 डिग्री पे बैठे हुए हैं। ये हमने पहले ही डिफाइन कर रखा हुआ है कि दो एक्सिस होंगी वो एक्स एंड वाई एक्सिस आपस में 90 डिग्री है। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेके चलना है, यानी कि एक्स कैप एंड वाई कैप दोनों दिशाएं जो हैं आर परपेंडिकुलर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे लिख के आर लिख देते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बात आप बुद्धि में बैठाएंगे। फिर हम लेके चलते कि हमारा जो एक्स एंड वाई एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। यहां पे एक पेंसिल मेरी पड़ी हुई है, इस हिसाब से ये पेंसिल की खोपड़ी है। मैंने डॉट इसलिए लगा दिया ताकि आपको आइडेंटिफाई में आसानी रहे। हमें थीटा भी डिफाइन कर देना है इसका, मतलब ये थीटा हमने डिफाइन कर दिया। अब बताइए कि एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होगी उसका मान कितना होगा, और ग्रीन वाले का मान मैं जी बोल देता हूँ, पेंसिल है तो सॉरी पी बोल देता हूँ, चलो इट इज पेंसिल पी, उसका लेंथ ही पी है, उसका मान पी है, वैल्यू इज पी। तो बताइए कि ये जीरो एक्सिस मान लेते हैं, यहाँ से इसको जीरो ले लेते हैं एंड दिस इज ए, और यहाँ पे इसका जो वाई पे मान आएगा उसको हम बोल देते हैं डी। तो ओ ए विल बी कॉल्ड एज प्रोजेक्शन ऑफ पी ऑन एक्स एक्सिस। इसका मान कितना आएगा, इसका वैल्यू कितना होगी, कोई बता सकता है दोस्त? पी साइन थीटा। ओ बेबी नहीं, ओ ए कॉस थीटा सर। हाँ कौन बोला साइन थीटा? ओ ए कॉस थीटा सर। ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा नहीं, पी कॉस थीटा सर। हाँ साइन कॉस में उल्टी करोगे क्या यार, गड़बड़ा दोगे, ऐसा नहीं करना दोस्त। हाँ इंजीनियर अगर कॉस टाइम में गड़बड़ करेगा तो पूरी जमीन में बदलने पर आसमान में बन जाएगा। इट विल बी पी इंटू कॉस थीटा, ये इसका मान होगा। अब अगर मुझे वाई एक्सिस से पता करना है तो उसका आपको एंगल निकालना होगा, वो एंगल कितना होगा यहाँ पे, दैट विल बी 90 माइनस थीटा। तो ओ बी विल बी कॉल्ड एज प्रोजेक्शन ऑफ पी ऑन वाई एक्सिस। ये क्या हो जाएगा, ओबी का मान ये हो जाएगा पी इंटू कॉस थीटा, लिखा कि 90 माइनस थीटा लिखे, 90 माइनस थीटा एंड दैट विल बी पी साइन थीटा। ये बद्दी में बात पता चल रही है, आप अपने खोपड़े में कॉस थीटा बैठा लीजिए, साइन भूल जाइए। जिस चीज के साथ में एंगल थीटा बनेगा उसके अलोंग प्रोजेक्शन कॉस थीटा होएगा। ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, इसको डिस्कशन करने बैठाएंगे दोस्तों फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स नहीं पढ़ पाएंगे। जिसको भी डाउट है मैं आज लास्ट टाइम बता देता हूं आपको। यहाँ पे एक ट्रायंगल बनी है, इसको मैं पॉइंट क्या बोल देता हूँ, पॉइंट पी बोल देता हूँ। चलो तो एक ट्रायंगल बन गई मेरे पास में, ओ ए और ये ट्रायंगल का पॉइंट पी हो गया, यहाँ पे थीटा है, ठीक है। इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको
बेस है ना जी, तो cos थीटा इक्वल्स टू, सभी को पता ही ना cos sin थीटा क्या होता है, पंडित बद्री यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी अपॉन एच बोलते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मैं लिख ही देता हूं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आपने दसवीं क्लास में पढ़ा है, इसमें डिप्लोमा और इंजीनियरिंग में कोई फर्क नहीं है, भाई किसने रेगुलर किया है, किसने ट्वेल्थ क्लास किया है कि नहीं किया। तो cos का बेस क्या हो जाएगा, बेस मेरा था ओ ए, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा मेरा पी का मान, तो पी विल बी इक्वल्स टू, कुछ गड़बड़ कर रहा हूं क्या, सही लिखा है ना मैंने इसमें, तो पी ओ ए, पी इज इक्वल्स टू ओ ए अपॉन cos थीटा आ गया, कुछ गड़बड़ किया क्या, नहीं सही तो है यार, बराबर तो निकालना है ना, हाँ ओके ओके, यहाँ से निकल जाएगा ओ ए विल बी इक्वल्स टू पी cos थीटा, जो मैंने बात ऊपर में लिखी, ये चीज आपकी कहानी हो गई। तो इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री लगा के आप सारी चीजों को निकालेंगे। तो प्रोजेक्शन किसको बोलते हैं, परछाई क्या होती है, और x और y के लंब परछाई निकालना, सभी के बुद्धि में बात छप गई होगी। किसी को भी डाउट है तो क्वेश्चन पूछिए मित्र, एनीबॉडी, नहीं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक नया कहानी आ गया कि जरूरी नहीं है कि x और y के लंब ही निकाला जाए, किसी और के लंब भी बोला जा सकता होगा। दो वेक्टर थे ए और बी वेक्टर, आप निकाल के बताइए कि बी के अलोंग ए का प्रोजेक्शन कितना आएगा, आपको थीटा पता चल गया, थीटा पता चल गया तो ए का प्रोजेक्शन बी के अलोंग ए कॉस थीटा, बी का प्रोजेक्शन ए के अलोंग बी कॉस थीटा, तो जो भी वैल्यू है उसका मान लेने का, बीच के एंगल आपको ले लेना है। एग्जाम्पल इसका कैसे आएगा, कहाँ पे आपको समझना होगा, ये कि मैंने दिखा कि फोर्स अप्लाइड ऑन एनी बॉडी एट एन एंगल डायरेक्शन टू बी मोशन, जैसे कि आपके पास एक जमीन पड़ी हुई है, दिस इज अ सरफेस, फ्लोर है आपका, और आपके पास एक टेबल पड़ा हुआ है, टेबल की चार टांग मान लेना यार, डिजाइनर टेबल है। अब आपको इस टेबल को धक्का दे के पॉइंट एक्स से पॉइंट एक्स डैश तक मूव करना है, तो आप सबसे सिंपल तरीके में धक्का देंगे आप इस दिशा में फ्लोर के अलोंग, लेकिन जरूरी नहीं है, आपकी हाइट बड़ी छोटी लंबी ऊंची भी हो सकती है, किसी की हाइट लंबी है तो थोड़ा सा नीचे की तरफ धक्का देते हुए इसको फोर्स लगाएगा, आपने इस दिशा में इसको धक्का दिया, ये जमीन के साथ में किसी एंगल पे आपने धक्का दिया, या हो सकता है कि कोई बंदा टेबल खींच के ले जा रहा हो, टेबल खींच के ले जाएगा तो जमीन के साथ कोई एंगल पे लेके जाएगा, दोनों केस में एक ही कहानी रहेगी, कैलकुलेशन इधर से उधर हो जाएंगे। अब देखिए कि आपने जो फोर्स लगाया है, क्या उस फोर्स का पूरा मान आपको आउटपुट देगा, नहीं जी, तो फोर्स का कौन सा मान आपको आउटपुट देगा, तो फोर्स का जो फ्लोर के साथ मान है एफ, और थीटा बना हुआ है तो एफ कॉस थीटा ही, यानी आपके लगाए गए पूरे फोर्स जो ताकत है उसका cos थीटा आपको x डायरेक्शन में मोशन देगा, और इधर जो हो जाएगा f sin थीटा आ जाएगा, वो आपको टेबल को थोड़ा सा ऊंचा कर देगा, आपको टेबल को मूव करने में फायदा नहीं होगा। तो ये हमें क्या पता क्या किया हमने, कि जो फोर्स है वो किसी दूसरे वेक्टर कौन सा, इधर डिस्प्लेसमेंट था, इधर हमारा डिस्प्लेसमेंट, इसको हम वेक्टर b बोल देते हैं, और जो फोर्स था हमारा उसको हम वेक्टर a बोल देते हैं। तो वेक्टर a वेक्टर बी की तरफ कितना मान बनाएगा, तो ए कॉस थीटा, इस केस में एफ कॉस थीटा, तो वही चीज ऊपर में रिप्रेजेंट आपसे कराई गई है, ये बात बुद्धि में आपके क्लियर हो जानी चाहिए, इसका आवश्यकता एक दो जगह पड़ेगी आपके कैलकुलेशन, यानी कि जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, ये पोजिशन वैक्टर। पोजिशन वैक्टर क्या होगा, कि किसी रेफरेंस पॉइंट के आधार पे किसी पॉइंट का वैक्टर बताना होगा तो उसको हम रेफरेंस पोजिशन बोलेंगे या रेफरेंस वैक्टर बोलेंगे। जैसे कि आपके पास ये एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, आप यहाँ पे ओरिजिन मान लेंगे, दैट इज जीरो, जीरो कॉमा जीरो एक्स एक्सिस है तो जीरो कॉमा जीरो ही लेंगे, तो दो ही डायरेक्शन लेके चल रहे हैं। कोई पॉइंट यहाँ पे बैठा हुआ है, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ टू कॉमा थ्री, यानी कि आपको एक्स में दो इकाई चलनी पड़ेगी और वाई में तीन इकाई चलेंगे तो उस पॉइंट तक आप पहुंच जाएंगे। इसका वेक्टर आप कैसे बताएंगे, ये वेक्टर की दिशा हो जाएगी हमारी। तो इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस वेक्टर को मान लेता हूँ आर वेक्टर बोल देता हूँ, राम वेक्टर, ये आर वेक्टर है। इस वेक्टर को क्या करना पड़ा, आपको वेक्टर को चलने के लिए दो यूनिट चलनी पड़ी एक्स दिशा में और तीन यूनिट चलना पड़ा वाई दिशा में, ये हो गया पोजिशन वेक्टर। तो जो वेक्टर किसी पॉइंट का, किसी बिंदु का जगह उसका रेफरेंस बता रहा हो किसी मेरे मानक पॉइंट के आधार पे, उसको हम बोलेंगे पोजिशन वेक्टर। ध्यान रखेंगे पोजिशन वेक्टर चेंज करने से बदल जाएंगे, यानी कि आप इस ब्लू वाले को ऐसा शिफ्ट कर दोगे तो बोले कि नहीं अब मेरा दूसरा पॉइंट
यानी कि पॉइंट नंबर पी वहां पे था तो पॉइंट नंबर पी यहाँ पे हो गया, ये बात गलत हो जाएगी, ऐसा नहीं करना होगा। पोजिशन वैक्टर्स को पैरल शिफ्ट नहीं करेंगे, दूसरे वैक्टर्स को आप पैरल शिफ्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात हमने पिछले लेक्चर में बता चुके थे। अब उसका एक्सपेंशन करना था, तो यही भी एक्सपेंशन मैंने बताया कि पोजिशन वेक्टर जो आर था उसको आप एक्सपेंड कैसे कर रहे हो। ऐसे ही कोई अलग पॉइंट भी लेके कहानी बता देते हैं आपको। यहाँ पे 1.5 पॉइंट रखा गया है, पॉइंट पी जो है वो एक्स दिशा में आपको 1 चलना है। हम पहले कभी भी लिखेंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड तो वो रहेगी पहले एक्स की डिस्टेंस बताया जाएगा फिर वाई की बताया जाएगा, यानी कोई भी पॉइंट लिखा होगा 1.2.3 है, 1.5 है, 1.10 है, 2.10 है, तो पहला जो आंकड़ा रहेगा वो x दिशा का आंकड़ा रहेगा, दूसरा जो आंकड़ा रहेगा वो y दिशा का आंकड़ा रहेगा, और इस वेक्टर को आपको रिप्रेजेंट यहाँ पे कराना था। ये वेक्टर था, इस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस वेक्टर को मान लेता हूँ अद्वैत वेक्टर मान लेता हूँ, ए वेक्टर अद्वैत के लिए। तो अद्वैत कैसे मूव करेगा, इसको तोड़ना है कंपोनेंट्स में, ए वेक्टर को कंपोनेंट्स में उसके टुकड़ों में, एक्स दिशा में क्या रहा वाई दिशा में करा, उसको तोड़ने की प्रक्रिया को हम कंपोनेंटाइजेशन बोलेंगे या कंपोनेंट बोलेंगे। तो एक्स दिशा में 1 है तो 1x प्लस 5y, तो x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट, दिस इज x कंपोनेंट एंड सिमिलरली दिस विल बी y कंपोनेंट, इस बात को आप बुद्धि में बैठा लेंगे। नेक्स्ट आ रहा है कि दो पॉइंट्स के बीच की दूरी हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस वेक्टर बोलेंगे या कुछ लोग इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोलेंगे, हालांकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नाम सही है, आपके सिलेबस में डिस्टेंस लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट नाम ज्यादा सही लगता है। यानी कि अब आपके पास दो पॉइंट्स हो जाएंगी, यह है एक्स दिशा, यह है वाई दिशा। इसमें पहला वाला जो पॉइंट है दैट इज पॉइंट इज पी पॉइंट, दूसरा वाला जो पॉइंट है दैट इज क्यू पॉइंट। तो P पॉइंट का वेक्टर बनाना होगा, मैं इसको ग्रीन कलर से बना देता हूं और रेड कलर से बना देता हूं मैं Q वाले पॉइंट का पोजीशन। तो अगर आपको P पॉइंट का वेक्टर पता करना होगा तो आप आर क्यू लिख सकते हो या आर पी लिख सकते हो, आर पी लिखेंगे, सॉरी आर पी जो वेक्टर है स्मॉल r लिखा है, खाली अलग अलग बताने के लिए कैपिटल लिखा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, आप कैपिटल भी लिख सकते हो। हो सकता है ये पॉइंट बैठा होगा 1.5 पे और ये पॉइंट बैठा हुआ है 5.2 पे, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1x प्लस 5y। RQ को लिखना होगा तो RQ को कैसे लिखेंगे, इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज 5x प्लस 2y। तो किसके रेस्पेक्ट में बताया, आपने ओरिजिन 0.0 के रेस्पेक्ट में आपने अभी इन दोनों को बताया, दिस ऑल वर रिप्रेजेंटेड इन रेफरेंस 0.0 के आधार पे, ओरिजिन के आधार पे, इसको हम ओरिजिन भी बोलेंगे, ओरिजिन के आधार पे ही आपने आर पी और आर क्यू वेक्टर का यानी कि पी पॉइंट का और क्यू पॉइंट का मान बताया। लेकिन पी से क्यू जब जा रहे होंगे, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं, इसको मैं ले लेता हूं लाइट ब्लू से। तो पी से जब क्यू की तरफ हम जा रहे हैं तो मान क्या होगा, इस वेक्टर को बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, आर ले रहे हैं डिस्टेंस को, हम यूजुअली आर से रिप्रेजेंट करते हैं रेडियस वाला टर्म लेके। तो फ्रॉम पी टू क्यू, पी से क्यू की तरफ, ध्यान रखेंगे पी से क्यू की तरफ है तो पी से एरो क्यू की तरफ जाएगा, आप अगर क्यू से पी बोलेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि आर पी क्यू जो होगा इट विल बी इन निगेटिव डायरेक्शन टू आर क्यू पी, इस बात को बुद्धि में बैठाएंगे दोस्त। तो मान कैसे निकालेंगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट हम करते हैं यहाँ पे, यानी कि अगर R, P और Q का मान पता करना है मुझे तो मैं पता करके कैसे चलूंगा कि फाइनल क्या था Q था, इनिशियल क्या था P था, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देने का है। यानी कि आप अहमदाबाद के रेस्पेक्ट में देखता हूं कि आप पहले दिल्ली गए फिर आप आगरा गए तो आपका टोटल डिस्टेंस कितना क्लियर हो रहा है, मैंने अहमदाबाद के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, पर आपका मोशन था दिल्ली से आगरा के लिए, तो आगरा में आपके बाइक का जो किलोमीटर का आया एक्स 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 वाई 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 जो भी आया उसमें से आप दिल्ली में जो मीटर की आंकड़ा थी उसको आप माइनस कर दोगे तो आपको आगरा और दिल्ली के बीच का डिस्टेंस पता चल जाता है। वही वाली कहानी हमने यहाँ पर भी करी है दोस्त, सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे भी, फाइनल माइनस इनिशियल करना है, तो दिट विल बी आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, इस बात को भूलिएगा नहीं तो कंफ्यूजन भयंकर हो जाएगा, इसलिए मैं फाइनल इनिशियल लिख रहा हूँ।
और कोई पोजीशन वेक्टर निकालना होगा तो क्या लिखेंगे इसको, इसका हो जाएगा इनिशियल टू फाइनल, किसका माइक चालू रह गया। हाँ, ये बात समझ में आ रही है दोस्त सभी को? आर पी क्यू यानी कि पी विल बी इनिशियल पॉइंट, क्यू विल बी फाइनल पॉइंट, इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल पोजिशन वेक्टर करेंगे तो आपको ये चीजें पता चल जाएंगी। इस बात को बुद्धि में बैठा के रखेंगे दोस्त, इस और विवेचना हम आगे के लेक्चर्स में और आगे के न्यूमेरिकल्स में इसको हम करने वाले होंगे। यहां तक ये बात थी टू डायमेंशन की। हाँ, टू थ्री डायमेंशन में जाएंगे अभी, पर ये जो पॉइंट था ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। दिस वन वॉज योर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखेंगे, हर बार 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 काम आएगी आपको। 1 2 3 4 5 हो गया ना, चलेगा सही है। दिस विल बी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। Now, अब जैसा कि हमने दो एक्सिस बोली थी, एक्स और वाई एक्सिस, तो आप अपनी कॉपी को अपने जमीन पर रख देंगे तो आपको पता चलेगा कि एक एक्स की दिशा थी, एक वाई की दिशा थी। तो अगर आप अपने कॉपी पर पेंसिल सीधा खड़ा कर देंगे तो जेड दिशा हो जाएगी। इसको समझने के लिए आप समझ सकते हैं दीवार का कोना, दीवार के कोने में ये वाला जो दिशा था वो एक्स दिशा हो सकता है, ये वाला जो दिशा है वो वाई दिशा हो जाएगा, और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर आप खड़ा कर दीजिए, दैट विल बी योर जेड डायरेक्शन। एक नया दिशा हम लेके आ गए, एक्स वाई एंड जेड, घर के कोने से ये रिप्रेजेंटेशन हम लेकर चल रहे हैं, इसमें और कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, आपको अपनी बुद्धि से इसको एनालाइज करना पड़ेगा दोस्त। आप अपनी आंख बंद करके एक बार सोचिएगा जरूर कि ये कैसे कैसे विजुअलाइज होगा, नहीं तो यहाँ पे मैं लेक्चर बोलता रहा, जो अगर आप अपनी विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे आपको समझने में मुश्किल होगी। तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये वाली जो दीवार है इसको हम बोलेंगे एक्स और जेड की दीवार, इस दीवार को बोलेंगे यानी कि जो जमीन होगी वो एक्स एंड वाई की फ्लोर होगी, और जो सामने वाली दीवार होगी वो वाई और जेड की दीवार होगी। कोई दिक्कत इसमें किसी को भी नहीं? ये सारे दीवार आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे, आपस में परपेंडिकुलर नहीं हुए तो कल्याण हो जाएगा। ये 90 डिग्री होगा, यहाँ से ये 90 डिग्री होगा, और ये भी 90 डिग्री होगा। ईच एंड एवरी एक्सिस विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जैसे कि आप अपनी उंगलियां करते थे इस तरीके से, आपको स्क्रीन पे मेरे हाथ कैमरा में देख रहा होगा, इस तरह से आप अपनी उंगली करके इसको 90 डिग्री बना के लाते थे, सेम वही वाली कहानी आपको भी है। उस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर दिया गया है, एक्स जेड का सरफेस, वाई जेड वाला है, एक्स वाई वाला जो वॉल रहेगा इसको हम प्लेन बोलेंगे, दिस इज वाई जेड प्लेन। अभी हम वॉल बोल रहे थे, इसको फ्लोर बोल रहे थे, इसको बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। प्लेन क्या होता है? एरिया या क्या उसको बोलेंगे, स्पेस बिटवीन टू एक्सिस, दो एक्सिस बीच का एरिया, उसका आपको डायरेक्शन रहेगा। प्लेन विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। प्लेन को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन सेम नहीं है, दोनों आपस में 90 डिग्री लेके बैठे हुए हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे दोस्त, भूलेंगे नहीं। इन तीनों की तरफ में जो यूनिट वेक्टर्स रहेंगे वो हम वाई कैप, जेड कैप और एक्स कैप से ही रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अब क्या बात है कि जैसे कि हमने किसी वेक्टर को x और y में तोड़ा था, तीन दिशाओं में तोड़नी, मैं मान लेता हूं कि मेरा जो पॉइंट है वो इस घर के दूसरे कोने में बैठा हुआ है, यहां तक कैसे पहुंचेंगे हम? तो हम x दिशा में कुछ यूनिट ट्रेवल करेंगे, उसके बाद हम y दिशा में कुछ यूनिट ट्रेवल करेंगे, और उसके बाद फिर हम z दिशा में कुछ यूनिट ट्रेवल करेंगे, तो इस तक पॉइंट तक पहुंचेगा। फाइनल पॉइंट क्या होगा मेरा? फाइनल पॉइंट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। हो सकता है कि आपने x दिशा में जो दूरी तय की वो था 2 मीटर, आपने y दिशा में जो दूरी तय की वो 3 मीटर, और z दिशा में जो दूरी तय की वो था 5 मीटर था आपका। तो फाइनल पॉइंट का लेंथ यानी कि ब्लैक वाले का लेंथ क्या रहा होगा हम देखेंगे, डिस्कशन करेंगे थोड़े दिन। चलिए एक बार और एनालाइज कीजिए कि ये पॉइंट रिप्रेजेंट कैसे होगा। मान लीजिए कि एक बंदा है जो किसी घर में खड़ा हुआ है, आपके पास इसका ओरिजिन पॉइंट होगा, मैं ओरिजिन पॉइंट को यहाँ पे डार्क करता हूँ, ओ लिख देता हूँ वहां पे, दैट विल बी ओरिजिन। अब अलग अलग दिशाएं हैं, इधर आपका ये है एक्स दिशा, इधर आपके पास में है वाई दिशा, वाई कैप, मैं वाई कैप लिखता नहीं, आप समझ जाना, खाली यहाँ से पतला थोड़ा पेन को करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे हो जाएगी वाई कैप, और इसको भी थोड़ा सा छोटा करते हैं, यहाँ पे हो जाएगी एक्स कैप दिशा, एंड जेड दिशा को मैं यहाँ से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, परपेंडिकुलर जो ऊपर वाली जा रही होगी, दिस विल बी जेड कैप, ये स्क्रीन पर विजिबल है। अब आपका जो पॉइंट है, दैट पॉइंट इज द खोपड़ी ऑफ दिस पर्सन, इसको मैं कैसे करता हूँ, एक दूसरा कलर ले लेता हूँ, इसे ले लेता हूँ, चलो
खोपड़ी को पॉइंट पी बोल देता हूँ, आपको इसकी खोपड़ी तक पहुंचना है। ध्यान रखिएगा बंदा जो है वो दीवार में, पीछे वाली दीवार में चिपका हुआ नहीं है, यानी कि जेड और वाई प्लेन में चिपका नहीं है, थोड़े डिस्टेंस लेके है। यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है इसकी, ये डिस्टेंस मायने रखेगी, थोड़ा सा ये गैप में लेके बैठा हुआ है। इस तक पहुंचेंगे कैसे हम, तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा हम ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन से थोड़ा सा एक्स में आएंगे। एक्स में आने के बाद एक्स में आने के बाद हम वाई में थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो और आगे ले लेता हूँ, इसके पैरों के बीच आ जाते हैं। और उसके बाद आपको जेड में थोड़ी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो जेड में दूरी तय करेंगे जिसके बॉडी के अलोंग खड़े हो जाएंगे यहाँ पे, और आप इसके पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है सभी को, कैसे मूव करना है? क्लियरिटी है सभी के लिए? जब आप ऊपर से देखोगे, टॉप व्यू देखोगे, तो आपको जेड दिखाई नहीं देगा, तो क्या दिखाई देगा आपको टॉप व्यू में? जैसे यहाँ देखिएगा, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फिर से वही चीजें। आप टॉप से देखोगे तो आपको एक्स और वाई ऐसे दिखाई देगी। तो आपने एक्स में कुछ दूरी तय करी थी, एक्स में आप चल के आए थे 2 यूनिट और वाई में चल के आप गए थे 3 यूनिट, तो कितना दूरी टोटल तय किया? इसको मैं डॉटेड ब्लैक से रिप्रेजेंट करता हूं, ये दूरी हो जाएगी 90 डिग्री बन रहा है, पाइथागोरस वाला थ्योरम ही लेके चल रहे होंगे यहाँ पे। तो 2² + 3² करेंगे यहाँ पे, 2² + 3² का रूट कितना हो जाएगा? 1 × 4 और 3 × 9, 4 × 9 कितना हो जाता है दोस्त? 13 आ गया ना, 13 का रूट, तो डायरेक्टली 13 का रूट लिख देता हूँ, 13 का रूट यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद आपको सामने से देखना है, तो आपको वॉल कौन सी दिखाई देगी? आपको वॉल दिखाई देगी Y और Z वाली, यानी कि आप अपने नोटबुक को अभी आप ऊपर से ऐसे करके देख रहे थे, अब आपको नोटबुक अपने सामने से देखना होगा। सामने से आप देखेंगे तो आपको X एक्सिस नहीं दिखाई देगी, आपको क्या दिखाई देगा कि एक ब्लू कलर का वॉल होगा, और यहाँ पे जो बंदा था वो खड़ा है, यहाँ पे हाथ पैर ऐसे खड़े हैं। और ये दूरी आप पता कर चुके हो, कोने से ये दूरी आपको मिल चुकी होगी 13 का रूट, और इसके बाद ये जो हाइट थी वो ब्लू में 5 यूनिट चला था बंदा वो। फिर आपको ये वाली दूरी जो हमने डार्क ब्लैक बोली थी, डार्क ब्लैक आपको कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा ये इसका लेंथ, इसकी लेंथ हो जाएगी लाइट ब्लू से 13 के रूट का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का रूट। 13 का स्क्वायर कैसे आया था आपका? 13 का स्क्वायर आया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट करने से। वो चीज यहाँ पे रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट का स्क्वायर प्लस जेड के स्क्वायर का रूट। अब रूट का स्क्वायर हट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही बच जाएगा। तो जो फाइनल इस बंदे की जो खोपड़ी का वेक्टर था यहां से यहां तक, वो कैसे निकलेगा? तो एक्स दिशा में जो दूरी तय की उसका स्क्वायर, वाई दिशा में जो तय की उसका स्क्वायर, जेड में जो तय की उसका स्क्वायर, और इसका रूट विल बी इक्वल्स टू ओ टी। यानी कि तीन दिशाओं में अगर वेक्टर हो तो, दो दिशाओं में हो तो आपको पहले ही पता था, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, कहाँ गया यहाँ पे कहीं बताया नहीं था, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये दिशा थी यहाँ पे, तो अब जो वेक्टर मेरा ए था उसकी वैल्यू पता करने तक कैसे करते, यहाँ पे 1 चला तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे, 5 चला तो 5 का स्क्वायर, यानी कि इसको बोल देता हूँ ए का वेक्टर। ए का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1² + 5 का स्क्वायर का रूट, यानी कि 26 का रूट, ये आपको मान मिल जाएगा, दिस इज द मैग्नीट्यूड। यहाँ पे आपने क्या किया, आपने किया कि ए का जो मान था वो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। इसी तरीके से जेड आ गया तो हमने जेड को भी एक यहाँ पे ऐड कर दिया हुआ। यहाँ तक सभी को क्लियर रहना चाहिए, किसी को डाउट हो तो अभी पूछ सकते हैं दोस्त। ये सॉल्व करने के लिए आपको एक पॉइंट दिया गया हुआ, एक क्वेश्चन दिया गया, आपके पास दो पॉइंट हैं, पॉइंट एम एंड पॉइंट एन, आपको M और N के बीच की दूरी पता करनी है। अपनी बुद्धि लगाइएगा, सोचने की कोशिश कीजिएगा, आंसर मिलेगा तो अच्छी बात, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन पे भी ध्यान देंगे। करना क्या होगा, जो नीचे वाला क्वेश्चन उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, कि एक बंदा खड़ा है, उसकी खोपड़ी आपने पॉइंट पी पता कर ली, कोई बात नहीं, पी का वेक्टर आपको पता चल गया, दिस इज पी वेक्टर, कोई बात नहीं। हो सकता हो कि एक दूसरा बंदा कहीं पे खड़ा होगा, दूसरे बंदे को खड़ा करता हूं मैं लाइट ब्लू से लेके, नहीं उसको क्या ऑरेंज से ले लेता हूँ। एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, उसके पैर यहाँ पे हैं, उसकी बॉडी यहाँ पे है, उसके हाथ यहाँ पे, और ऐसा खोपड़ी लेके बैठा हुआ है। ध्यान देंगे
वो पिछले वाली दीवार पे चिपका हुआ नहीं है, पिछले वाली दीवार से कुछ डिस्टेंस लेके बैठा हुआ है, वो यहाँ से कुछ दूरी पे बैठा हुआ है, वो y में भी कुछ दूरी लेके बैठा हुआ है, वो y में भी यहाँ से कुछ दूरी है उसके पास में, और z में उसकी खोपड़ी हाइट है, इसकी खोपड़ी को मैं बोल देता हूँ q पॉइंट, दिस इज q पॉइंट। आपको क्या पता करना है, p से लेके q तक की जो लेंथ होगी उसका मान पता करना है आपको, ध्यान रखेंगे इस बात के लिए। तो दोनों फॉर्मूले जो मैंने लिखे हैं, ये दोनों फॉर्मूले अलग अलग कहानी पे हैं, ये वाले ओपी वाली कहानी अलग है, इसकी वाली कहानी अलग है, कंफ्यूज नहीं करेंगे दोनों के लिए, बुद्धि लगानी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, इसलिए यहाँ से खींच के नीचे ही रखना पड़ता है, कंफ्यूजन नहीं है, लाइन अलग ही अलग है, ठीक है, क्लियर है कहानी। यहाँ तक में किसी को भी डाउट है तो पूछ सकते हैं दोस्त, ये न्यूमेरिकल आपको होमवर्क के लिए है, आपसे सॉल्व हो जाए तो आप सॉल्व करके रेडी रखेंगे, या आपको कोई डाउट है तो डाउट मुझसे पूछेंगे, किसी को भी यहाँ तक डाउट है तो डाउट पूछ सकते हैं, हम लेक्चर ओवर करते हैं।